प्रभावों और चुनौतियों के बाद अब हम ये जानने की कोशिश करें कि वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण में क्या अंतर है। वैसे ये बात पूर्व में भी स्पष्ट कर दी गई, लेकिन फिर भी थोड़ा यहाँ समझना जरूरी होगा कि इस भूमंडलीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के परिप्रेक्ष्य में इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय विश्व वित्त व्यवस्था, इंटरनेशनल मॉनिटरी अरेंजमेंट, इसकी पृष्ठभूमि में यदि हम देखें तो भूमंडलीकरण का कुछ प्रभाव इस प्रकार का बताया जा सकता है। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भूमंडलीकरण में बहुत अंतर है। तो यहाँ हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि भूमंडलीकरण का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, विशेषकर आर्थिक संबंधों में क्या पड़ा है। पहला इसका प्रभाव है और बड़ा रोचक है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जो हैं, जिसमें मैंने आपको पूर्व में बताया था इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, उसके बाद वर्ल्ड बैंक, उसके बाद GATT की ट्रीटी, और भी ऐसी जितनी भी आर्थिक संधियां हो रही हैं या बड़े बड़े वित्तीय संबंधी प्लेटफॉर्म जो विश्व में वैश्विक स्तर पर बने हैं, इनका प्रभाव बढ़ गया है। अब ये लोग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दे कॉल द शॉट्स नाउ, अब वे लोग हम पर, विभिन्न देशों पर, विभिन्न देशों की सत्ता पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए तो इनकी बढ़ती हुई भूमिका, बढ़ते हुए प्रभाव के कारण ही विद्वानों के एक वर्ग में ये चिंता है कि वैश्वीकरण ने राज्यों की सार्वभौमिकता को घटाने में अहम भूमिका निभाई है। जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ताकत में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा राष्ट्रों को किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ेगा, और इसलिए इनका सोचना है कि राष्ट्रों को अपनी संप्रभुता को बचाए रखने में बड़ी कठिनाई महसूस हो रही है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मंच जो हैं, जो आर्थिक रूप से बड़े ताकतवर हैं, ये अब हम पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे वैश्वीकरण के प्रभाव में पहला प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का बढ़ता दबदबा, दूसरा प्रभाव विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इसकी स्थापना हो गई, और अब क्षेत्रीय स्तर पर राज्य सरकारें, ये देश की सरकारें स्वतंत्र रूप से अपने व्यापारिक संबंधों, आयात निर्यात पर निर्णय नहीं ले पाती, उसे हर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में WTO की ओर मुखातिर होना पड़ता है, जो विश्व व्यापार के क्षेत्र में एक तरीके से पुलिस मैन का काम करती है, इस बात पर नज़र रखती है कि किसी देश द्वारा ज़्यादा निर्यात न किया जा रहा हो, किसी अन्य देशों द्वारा ज़्यादा आयात न किया जा रहा हो, उस देश की कर प्रणाली मुक्त कर प्रणाली की ओर अग्रसर हो रही है या नहीं, और ऐसा न होने पर संबंधित देश की सरकारों को चेतावनी देना, उन्हें एक तरीके से इशारा करना कि अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में बेहतर तरीके से इंटीग्रेट करने का प्रयास करें। कहने के लिए तो जो WTO है, उसकी जो स्थापना हुई थी वह बहुपक्षीय सिद्धांत के आधार पर, अर्थात सभी लोगों को लेके चलने के आधार पर, और इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना। पर इस प्रोत्साहन के नाम पर जो दखलंदाजी देखी जा रही है वो बड़ी चिंता की बात है। हकीकत यह है कि ये संगठन WTO सामूहिक और अलग अलग तौर पर विकासशील देशों के साथ, अर्थात जो विकसित नहीं हुए हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पर, उनके समाज पर, उनकी राजनीति पर अपना दबदबा बनाने का सतत प्रयास कर रही है, प्रभुत्व बनाने का प्रयास कर रही है, अपना वर्चस्व जमाने का भी प्रयास है। तो दूसरी जो चिंता है वह है इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से विकसित देशों द्वारा अपना प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास।
वैश्वीकरण का एक बहुत बड़ा प्रभाव, दुष्प्रभाव। तीसरा, वैश्वीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिनका जिक्र बारंबार हो रहा है, उन्हें एक तरीके से खुली छूट मिल गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां गरीब देशों पर अमीर देशों के नव उपनिवेशीय नियंत्रक के वाहक के रूप में अब काम कर रही हैं। दूसरे शब्दों में, जो विकसित देश हैं वे अपने देश की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के, जिनका ओरिजिन उन देशों में है, उन कंपनियों के जरिए अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर, अन्य देशों की शासन व्यवस्था पर बहुत कुछ प्रभाव डालने में सफल हो रही हूँ। आज यदि हम देखें, अपने ही देश के संबंध में बात करें, तो जो सॉफ्टवेयर्स हैं या सोशल मीडिया की यदि हम बात करें, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो या अन्य, जो अमेरिका से, अमेरिका में जिनका मूल है, ओरिजिन है, वहाँ से नियंत्रित हैं, व्हाट्सएप की सारी जानकारियाँ अमेरिका के पास उपलब्ध हो सकती हैं, हैं। जब वो चाहे तो भारत संबंधी सारी जानकारियाँ वो एक क्षण में खंगाल सकता है और उसके आधार पे हमें प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खुली छूट मिलना एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है, और उस हद तक राज्य जो है उसकी सार्वभौमिकता या संप्रभुता पर बारंबार प्रश्न उठ रहा है कि इनकी सार्वभौमिकता घट रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी निवेश की बात कर रहा हूँ, जिसे हम ओपन डोर पॉलिसी कहते हैं, देश के दरवाजे खोलने का मतलब। मैंने शुरू में एक शब्द यूज़ किया था, लेसे फर लेसे पासर, जियो और जीने दो, ये उसी अंतर्राष्ट्रीय ओपन डोर पॉलिसी का ही एक स्वरूप है। इसका मतलब ये हुआ कि गरीब देशों और अमीर देशों को बकरी और बाघ की तरह एक ही घाट का पानी पीने की व्यवस्था करना। ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि नहीं? क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक ही पानी के घाट में बकरी और बाघ एक साथ पानी पियेंगे? निश्चित रूप से आप इस बात से सहमत हैं कि बकरियां तो वहां आएंगी ही नहीं, भले ही वो प्यासी मर जाएं, और बाघ ही दिखाई देंगे। बाघ से तात्पर्य है विकसित देशों की ताकत, और बकरी से तात्पर्य है निर्धन देश, कमज़ोर देश, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश। ऐसी दोस्ती में अमीर और गरीब देशों के बीच में खाई भी बढ़ेगी, और अमीर देश गरीब देशों से मुनाफा लेंगे। वो पूरा जो घाट है जिसे बकरी और बाघ दोनों के लिए बनाया गया था, वो पूरा घाट अब केवल बाघ के लिए रह जाएगा। और ऐसा ही कुछ होता हुआ अंतर्राष्ट्रीय मंच में आर्थिक दृष्टि से नज़ारा दिखाई देता है। परिणाम क्या हो रहा है कि राजनीतिक निर्भरता, सामाजिक राजनीतिक कीमत, इसको हमें बहुत चुकाना पड़ रहा है। अगला बिंदु, कुछ नई संस्थाओं का उदय होना। भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जो नई संस्थाएं आई हैं, ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो राज्य की शक्ति से बाहर हैं, जो राज्य की के नियंत्रण से बाहर हैं, सत्ता की पहुंच से बाहर हैं, और इसलिए ये पूर्ण रूपेण एक तरीके से स्वतंत्र हैं। यहाँ तक कि वैश्वीकरण होते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र राज्य एकमात्र अभिकर्ता अब नहीं रहा। पहले राज्य ही एकमात्र एक्टर होता था या प्लेयर होता था, वही एक्टर वही प्लेयर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कई नई संस्थाएं सामने आ गई हैं जो अपनी अपनी भूमिका पूरे दबदबे के साथ, पूरे प्रभाव के साथ बना रही हैं और अपना प्रभाव छोड़ रही हैं। इनमें बात करें तो गैर सरकारी संगठन, जिसे हम एनजीओ कहते हैं, पर्यावरण संबंधी आंदोलन, जिसका जिक्र अन्य अध्यायों में बारंबार किया गया है, क्योंकि पर्यावरण जो एक है ना, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और आने वाले वर्षों में संभवतः सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पर्यावरण ही बचेगा,
और उसका कारण भी स्पष्ट है, क्योंकि पर्यावरण से किसी एक देश का कुछ लेना देना नहीं। एक अकेला देश पर्यावरण को नहीं बदल सकता, वो तो वैश्विक स्तर पर ही इसका निराकरण संभव है। तो इसको लेकर जो कुछ संस्थाएं सामने आ रही हैं, जैसे ग्रीन पीस मूवमेंट जिसे हम कहते हैं एक, और ग्रीन पीस मूवमेंट के नाम से कई जगह तो बड़े बड़े राजनीतिक दल भी खड़े हो गए हैं। उसी प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां, राष्ट्रीयताएं और बहुराज्यीय या क्षेत्रीय संगठन, ये सब अब नए प्लेयर्स हैं। किसमें? किसी देश के अंदरूनी आर्थिक व्यवस्था में। और किस कारण? वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव के परिणाम स्वरूप। और इसके मायने ये कि अब हमें जब भी कोई व्यापारिक निर्णय, आर्थिक निर्णय लेना हो, तो बहुत से पक्षों से विचार विमर्श करना पड़ता है, बहुत से पहलुओं को सोचना पड़ता है, जो बारंबार इस बात की ओर इंगित करता है कि राज्य की सार्वभौमिकता दुष्प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही नए अभिकर्ताओं की भूमिका तो बढ़ी ही है। अभिकर्ता का अर्थ है प्लेयर या एक्टर्स, आप समझ लीजिए। और शायद इसलिए भी बढ़ी है कि आर्थिक, राजनीतिक और संचार जो माध्यम है, इनकी संख्या में बहुत वृद्धि हुई है, और ये सब निजी हाथों में है। इन संरचनाओं का जो जाल है, नेटवर्क है, इसने राज्य राष्ट्रों की सीमाओं को खुला कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा है, वैसे भी वो सीमा भौगोलिक है, आर्टिफिशियल है। अब कम से कम उस सीमा पर दोनों तरफ सेनाएं इस बात को सुनिश्चित करती थीं, और पोस्ट जो बने हुए थे आर्मी के, वो सुनिश्चित करते थे कि ये हमारी सीमा है। लेकिन सोशल मीडिया या नेटवर्क के कारण अब वे सीमाएं बेमानी हो गई हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र विचारों का पहुंचना, बातों का आदान प्रदान होना, डेटा का आदान प्रदान होना अब बहुत ही सरल हो गया है, और ये सब सरकार के नियंत्रण से बाहर है। यदि सरकार को इस पर कभी नियंत्रण करने की ज़रूरत पड़ी, तो उसे इन संचार माध्यमों को चलाने वाली कंपनियों की ओर मुखातिर होना पड़ता है, उनसे अनुरोध करना पड़ता है, उनके शर्तों के अनुसार झुकना पड़ता है। तो ये जो नेटवर्क है, इसने जो सीमाओं को खोल दिया है, उसके आर पार लोग, वस्तु, सेवाएं, विचार, सूचनाएं जिस तरीके से आवाजाही कर रही हैं, जो इतना सरल हो गया है, यह भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है, और ये मामला वैश्वीकरण से ही जुड़ा हुआ है। सातवां बिंदु अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रभावित कर रहा है, वह है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बड़ा विस्तृत बना देना। यदि मैं 50 वर्ष पूर्व की बात करूं या 100 वर्ष पूर्व की बात करूं, तो भारत के लिए जहां तक विदेशी संबंधों की बात है, अपने पड़ोसियों से संबंध बनाए रखना ही पर्याप्त था, और उसकी विदेश नीति 100 वर्ष पूर्व भारत के पड़ोसी राज्यों तक ही सीमित रही होगी और थी। लेकिन जैसे जैसे संचार माध्यम बढ़े, आवागमन के जरिए बढ़े, हवाई जहाज, फिर पानी जहाज, हवाई जहाज, और उसके बाद ये नेटवर्क सिस्टम आया, क्रांतिकारी जो बदलाव आया, इसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध अब हमारे केवल पड़ोसी तक ही सीमित नहीं हैं। अब हमें माल्टा के साथ भी, जो एक बहुत छोटा देश है, चिली के साथ भी, जो सुदूर अमेरिका में एक अत्यधिक छोटा देश है, उसके साथ भी हमें उतने ही संबंध अच्छे बनाए रखने की ज़रूरत है जितने ताकतवर देशों के साथ, चाहे वो अमेरिका हो या पड़ोसी देशों के साथ। इस प्रकार हमारी विदेश नीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, किसी भी देश की विदेश नीति को, और इसके मायने ये हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अत्यधिक विस्तृत होना। ये और बढ़ भी गया है इसका दायरा, क्योंकि अब न केवल प्लेयर्स की संख्या बढ़ी है, बल्कि एक तरीके से इस व्यवस्था का पूरा जाल चारों तरफ बिछ गया। और जाल का अर्थ क्या हुआ
कि अमेरिका को जहां पाकिस्तान के साथ अपने संबंध बनाना है वहां अमेरिका के लिए व्यवस्था है कि वो भारत के साथ भी अपने संबंधों को सोचे। दूसरी ओर भारत को एक ओर जहां अमेरिका के साथ अपने मधुर संबंध बनाए रखने का पूर्ण प्रयास करना है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के दुश्मन रूस को भी नाराज न करने का प्रयास सतत रूप से करना है। तो इस प्रकार एक दूसरे पर जो प्रभाव हो रहा है इसका, उस प्रभावों और उससे होने वाली गुणवत्ता पर होने वाले प्रभाव, ये भूमंडलीकरण का ही एक पहलू है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पहले से निश्चित रूप से संचार माध्यमों के कारण बेहतर तो हुए हैं, गुणवत्ता में भी पहले से कहीं ज़्यादा सुधार हुआ है, लेकिन तनाव बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं बढ़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति बढ़ी है, विश्वव्यापी संचार व्यवस्था, बहुराष्ट्रीय निगमों का उत्पाद और बड़ी संख्या में लोगों का जो आवागमन बना हुआ है एक दूसरे देश में जाने का, इसने क्या किया होगा? सांस्कृतिक रूप से देशों को प्रभावित किया होगा और कर रहा है, और सामाजिक रूप से भी कर रहा है। भारतीयों की एक बहुत बड़ी संख्या विश्व के अन्य देशों में अब स्थायी रूप से बस गई है, और इसका कारण है यही संचार व्यवस्था और आवागमन की व्यवस्था की सरलता और सरल उपलब्धता। उसी प्रकार पश्चिमी देशों के बहुत से लोग अब भारत में और एशियाई देशों में बस रहे हैं, परिणाम स्वरूप ना केवल वे अपनी संस्कृति को प्रभावित कर रहे हैं बल्कि जिस देश में जाके बस रहे हैं वहाँ की संस्कृति भी प्रभावित हो रही है। तो रुझानों को प्रभावित करना भी इस अंतर्राष्ट्रीयकरण का एक परिणाम है। वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से उपजी हुई जिन बातों का हमने ऊपर जिक्र किया उसमें से एक बिंदु को हम थोड़ा अलग से भी समझ सकते हैं और अलग से भी उसे नोट कर सकते हैं, और वह है घरेलू संबंधों का या घरेलू अर्थव्यवस्था का अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर निर्भर हो जाना। ये एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता जहाँ एक सकारात्मक बिंदु है, वहीं ये इस बात को भी स्पष्ट करता है, हाईलाइट करता है कि हम उस हद तक अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हैं। काफ़ी हद तक बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी, उनके द्वारा किया गया निवेश अब हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, और उस हद तक ये विकासशील देश, निर्धन देश निर्भरता की ओर बढ़ चुके हैं, स्वतंत्रता खो चुके हैं। राष्ट्र राज्य की संप्रभुता को लेकर बारंबार चेतावनी एक वर्ग देता रहा है और उसे भूमंडलीकरण को या वैश्वीकरण को एक तरीके से खतरा माना है, क्योंकि राष्ट्रों की सरकारें, जैसा मैंने कहा, अब उन्हें कई प्लेयर्स के साथ बैठकर अर्थव्यवस्था संबंधी निर्णय लेने होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधियों में भी यदि उनकी भी बात करें तो किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय संबंधी अब मात्र दो देशों के बीच नहीं रह जाती बल्कि दो देशों के साथ उन देशों से जुड़ी हुई संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपनियां और कुछ ऐसे प्रभावशील लोग भी उसमें शामिल रहते हैं जो पर्दे के पीछे हों। इनके द्वारा संधियों को अपने रूप से तोड़ने मरोड़ने का प्रभाव बनाया जाता है, संबंध समझौतों को इस तरह लागू करने का दबाव बनाया जाता है जो इनके लिए फायदेमंद हो, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रसन्नता तो होती है लेकिन देश के अंदर के नागरिकों के लिए उस हद तक ये नुकसानदेह है। इसी के कारण राष्ट्रीय सरकारों को बहुत राष्ट्रीय संधियों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर निर्धारित मापदंड और उनकी मांगों के सामने बारंबार झुक जाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा चिंता का पहलू है वैश्वीकरण के इस दौर में। इन्हीं चिंताओं और चुनौतियों के मद्देनज़र, जिनका जिक्र हम बारंबार कर रहे हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं।
मेरा इशारा कुछ ऐसे आंदोलनों की ओर है जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं, उसमें बाधा डालना चाहते हैं या उसे पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहते हैं। उसके पीछे उनके तर्क यही चुनौतियां और यही समस्याएं हैं जिनका जिक्र मैंने पूर्व में किया है। पर हम जानें कि आखिर ये कौन से संगठन हैं, कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं। वैश्वीकरण की बात करें तो इससे जुड़े हुए आंदोलन जो इसके विरोध में हैं वे कौन कौन से हैं, ये हमारा अगला मुद्दा है। व्यापार, तकनीकी विकास, उसमें सहभागिता, कोऑपरेशन, उत्पादन और उत्पाद का की खपत, अर्थतंत्र और विदेशी पूंजी का निवेश, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बारंबार आंदोलन होता रहा है। कुछ देशों में बढ़ते हुए विदेशी पूंजी के निवेश को लेकर आपत्ति है तो कुछ देशों में तकनीकी सहभागिता को लेकर भी आपत्ति उठी है। उत्पादन को भी लेकर बारंबार आवाज़ें मुखर होती रही हैं। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जिनका जिक्र मैं कर चुका हूं, उन पर निर्भरता बढ़ती है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इनका उद्देश्य ही मूल रूप से मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। तो फिर संबंधित देश, संबंधित पक्ष इन संस्थाओं की ओर मुड़ते हैं और उनसे सहायता लेते हैं। उनकी सहायता कई बार अपरिहार्य भी हो जाती है। ऐसी संस्थाओं की यदि हम बात करें तो जैसा बताया गया, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और अन्य तरह की वित्तीय संस्थाएं, साथ ही साथ व्यापारिक संगठन, व्यापारिक संगठनों का समूह धीरे धीरे अविकसित देशों के व्यापारिक बाधाओं को समाप्त करके उसे इस रूप में बदलना कि इन अविकसित देशों की व्यापार व्यवस्था वैश्वीकरण के इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मर्ज हो जाए, यही इन संस्थाओं का प्रयास रहता है। ऐसा माना जाता है कि सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व जिस दिन हो जाएगा उस दिन छोटी कंपनियां अपना अस्तित्व खो बैठेंगी। इन्हें बहुत भारी नुकसान होगा क्योंकि छोटी कंपनियों के पास न पूंजी है, न आर्थिक क्षमता और न वैसे रिसोर्सेस जिससे कि वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने खड़े हो सकें, उनसे प्रतियोगिता कर सकें। निश्चित रूप से एक दौर वह आएगा जब छोटी कंपनियां धीरे धीरे लुप्त होती चली जाएंगी। ऐसा भी माना जाता है कि विदेशी पूंजी निवेश को अपनी ओर ये आकर्षित भी नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के ये कहना कि इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया में विकसित देशों से जुड़ी हुई संस्थाओं, उससे जुड़े हुए संगठन, इनको फायदा ही फायदा है। इसके खिलाफ एक दूसरी विचारधारा है, वह है वामपंथी, जिसे हम साम्यवादी विचारधारा भी कहते हैं, जो पूंजीवादी विचारधारा का बिल्कुल उल्टा है, 36 का आंकड़ा है। वे लोग इसका विरोध करते हैं, इस वैश्वीकरण का, और विरोध करने के पीछे उनके कुछ तर्क भी हैं जो तर्क संगत भी लगते हैं। ये लोग कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो कुछ नहीं बल्कि साम्राज्यवादी व्यवस्था है। इससे पूंजीवादी व्यवस्था का और विस्तार होगा, पूंजीपति और अधिक अमीर होंगे, अमीर लोगों की संख्या कम और कम होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब विश्व का अधिकतर धन न्यूनतम लोगों तक सीमित होकर रह जाएगा। अमीर लोग अमीर होंगे, गरीब लोग और गरीब। बहुत से जो विचारक हैं, जो विद्वान हैं, वे वैश्वीकरण को एक तरीके से कहते हैं कि ये मानो
अमीरों की रक्षा का एक कवच है, अमीरों की रक्षा का साधन है। अर्थात वैश्वीकरण के नाम से ये अमीर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, अक्षुण्य रखना चाहते हैं, और इस वातावरण में गरीब श्रमिक इनके हितों की निश्चित रूप से कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर और इस तबके के लोग, श्रमिक आदि, ये बिल्कुल निम्नतम श्रेणी में आते हैं, हैव नॉट्स की श्रेणी में आते हैं। एक और पक्ष है, वह है तीसरी दुनिया का। तीसरी दुनिया के देशों में किसी समय भारत सबसे अग्रसर देश माना जाता था। उनका कहना है कि विश्वव्यापी जो संगठन है, IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो या विश्व व्यापार संगठन हो, ये बात तो स्पष्ट है कि ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं, इसकी चाबी जो है ये विकसित देशों के हाथों में है, पश्चिमी देशों के हाथों में है, ताकतवर देशों के हाथों में है, उनका प्रभुत्व है। तो निश्चित रूप से ये लोग इन संस्थाओं का प्रयोग भी अपने हितों को साधने के लिए करते हैं। इनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि ये लोग निर्धन गरीब देशों के हितों का ख्याल रखते हुए वैश्वीकरण की प्रक्रिया में समुचित बदलाव लाएं। और यदि उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती तो उनके द्वारा जो संस्थाएं परोक्ष रूप से संचालित हो रही हैं, वे तो कतई इस बात के लिए प्रयासरत नहीं होंगी कि ज़रूरतमंद देशों को की ज़रूरतों को पूरा करें। वे तो कतई नहीं चाहेंगे कि समस्त संसार का हित हो, गरीबों की अनदेखी में ही उनका स्वार्थ है, और इस प्रकार वे लोग इन संस्थाओं का उपयोग अपने हितों को ध्यान में रख के करते हैं। ये तीसरी दुनिया के देशों का विचार है। ऐसा माना जा रहा है कि जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो व्यापार के नियम हैं और जो तौर तरीके हैं वो उचित नहीं हैं, वे एक पक्षी हैं। और इसी कारण 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की एक बैठक हुई थी। उस बैठक के दौरान बहुत ही कड़ा और हिंसात्मक प्रदर्शन विश्व जन समुदाय के प्रतिनिधियों के द्वारा हुआ था। ऐसा आरोप था कि WTO जो है वो विकासशील देशों के हितों की अनदेखी कर रहा है, और सच्चाई तो ये है भी। नवंबर 2001 उसमें कतर की राजधानी दोहा, वहाँ भी विश्व व्यापार संगठन की जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी, उसमें विकसित देशों ने पर्यावरण के मसले पे बहस करके विकासशील देशों के प्रति एक तरीके से उपेक्षा का संकेत दिया, और मुद्दा जो बनाया वो पर्यावरण को लेकर बनाया। लेकिन फिर भी बात कुछ आगे बढ़ी और दोहा में तैयार किए गए मसौदों को लेकर 2003 में कानकुन में एक बार फिर बैठक हुई। ये सब बैठक की पृष्ठभूमि पर वैश्वीकरण का बढ़ता प्रभाव है। दुर्भाग्य से ये जो बैठक हुई वो भी विवादों में उलझ गई, और जुलाई 2006 में जिनेवा बैठक विकासशील और विकसित देशों के बीच का एक मुद्दा बन के रह गई। ये जो जिनेवा बैठक थी ये इस दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण थी कि यहाँ की बैठक के दौरान विश्व के लगभग समस्त महत्वपूर्ण ऐसे संस्थाएं जो वैश्वीकरण और पर्यावरण के मुद्दे पर संघर्ष कर रही हैं, विरोध कर रही हैं, उन्होंने बहुत भारी प्रदर्शन किया था और अपना प्रभाव भी छोड़ा था, और कुछ हद तक ये राष्ट्रों पे दबाव बनाने में सफल भी हुए थे। वैश्वीकरण का जो विश्वव्यापी विरोध 2006 में हुआ, इसके बाद इसका और प्रभाव बढ़ता गया और वर्ल्ड सोशल फोरम नाम की एक संस्था बनी। ये संस्था एक तरीके से एपेक्स बॉडी थी, ऐसी संस्थाओं का
अपेक्स बॉडी ऐसी संस्थाओं के सम्मिश्रण से बनी हुई अपेक्स बॉडी जो बढ़ते हुए वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों का विरोध कर रही है। इसमें साथ ही साथ मानवाधिकार से जुड़े हुए लोग, पर्यावरणवादी तो थे ही, श्रमिक, महिलाएं, महिला कार्यकर्ता, युवा समाज सेवी आदि तबके के लोगों को भी शामिल किया गया। और यद्यपि उसका गठन 2001 में हो गया था, यानी जिनेवा कॉन्फ्रेंस के पूर्व ही, पर जिनेवा की कॉन्फ्रेंस में इस वर्ल्ड सोशल फोरम ने अपना प्रभाव छोड़ा। इसकी चौथी बैठक भारत में भी हुई थी, मुंबई में, जनवरी 2007 में। इसकी सातवीं बैठक केन्या की राजधानी नैरोबी में हुई। ये जो संस्था है, ये लगातार वैश्वीकरण का विरोध करती रही है, इसके प्रभावों को हाईलाइट करती रही है, इससे होने वाले सामाजिक कल्याण और सामाजिक नुकसान की ओर इशारा करती रही है, और न्याय, सामाजिक न्याय और समानता के मार्ग में आने वाली बाधाओं की ओर संकेत करती रही है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन जो है, वह भी धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से वैश्वीकरण की प्रक्रिया की जो तीव्रता है, उसके सामने इसके विरोध को देखा जाए तो वो नहीं के बराबर है। पर्यावरण को लेकर भी ऐसी ही कुछ शुरुआत हुई थी जो बड़ी धीमी थी, लेकिन आज अनेकानेक वर्षों के प्रयास के बाद पर्यावरण का मुद्दा अहम बन चुका है। तो विश्वास है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भी एक समय आएगा जब विरोधी आंदोलनों के प्रभाव स्वरूप कुछ सार्थक कदम उठाए जाएंगे।